नूरपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक महासंघ दिल्ली के आह्वान पर धर्मशाला डाक मंडल के ग्रामीण डाक सेवकों ने पांचवें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। ग्रामीण डाक सेवकों ने उप डाकघर नूरपुर के सामने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और चौगान बाजार में रैली निकाली व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डाक सेवकों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। डाक सेवकों की प्रमुख मांगे हैं जीडीएस कमेटी की सकारात्मक स्पर्शों को जल्द लागू करना। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडलीय सचिव सुरेंद्र पटियाल ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे। पटियाल ने कहा कि हड़ताल के पांचवें दिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। स्टार्ट कर रहे सर, हम जो धरना प्रदर्शन का आज चौथा दिन चल रहा है, जो हम दिल्ली महाडाक संघ जो हमारा उसकी आह्वान पर कर रहे हैं सर। नवंबर 1916 में हमारे वेतन जीडीएस के वेतन भत्तों के लिए एक जो कमेटी गठन की गई थी जिसमें एक साल का टाइम लिया था। एक साल के बाद नवंबर 17 को एक इसके कमलेश चंद्रा की अध्यक्षता में जो कमेटी गठन की गई थी, कमलेश चंद्रा ने नवंबर 1917 को जो विभाग के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी। जब ये रिपोर्ट विभाग के पास सौंपी तो उस दिन से लेकर आज दिन तक जो है विभाग जो है आनाकानी कर रहा है। कभी कह रहा है जो वित्त मंत्रालय में है, कभी कह रहा है जो पीएमओ ऑफिस में है, कभी कह रहा है जो इस कैबिनेट नोट लगाना है, कभी कह रहा अगले महीने में होगा, कभी कह रहा 15 दिन के बाद होगा। इससे हमारी जूनियर जो दिल्ली में बैठी उसने फैसला किया है अगर जीडीएस के वेतन भत्तों के निर्माण हेतु जो कमेटी कमलेश चंद्रा की अध्यक्ष में जो गठित की गई है अगर 22 मई 1918 तक जो है इसकी लागू नहीं होती तो हमारे पूरे भारतवर्ष के जो ग्रामीण डाक सेवक हैं अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। 22 मई 2018 तक जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट जो है जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्ते निर्धारण किए गए लागू नहीं की गई, इसलिए हम 22 मई 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और ये हड़ताल उस समय तक चली रहेगी जब तक ये कमेटी की रिपोर्ट जो है जिसमें वेतन भत्ते जीडीएस के लागू जो बनाए गए हैं लागू नहीं करते हैं उस दिन तक हमारे पूरे भारतवर्ष के जो है जीडीएस और हड़ताल पर डटे रहेंगे।